हेलो गाइस, वेलकम टू आर के साइबर कैफे। आज का हमारा टॉपिक है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो का हाइट, विड्थ और रेजुलेशन कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोटोशॉप खोल लेना है, उसमें आपको कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जैसा मैंने कि सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है, इसमें आपको विड्थ में देना है 30 mm और हाइट में देना है 40 mm। रेजुलेशन आप 200 या 300 रख सकते हैं, मैंने 300 रखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको क्रॉप कर लेना है। ये आपका हो गया पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब थोड़ा सा इसमें एडिटिंग कर देते हैं। बैकग्राउंड चूज करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है मैजिक वैन टूल। तो अगर आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड एक कलर का है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, इसमें कुछ भी चेंजिंग करने के लिए। अगर आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड दूसरे कलर का है या फिर एक से ज़्यादा कलर का है तो आपको फिर ये पॉलीगोनल लोसो टूल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको इससे आप हर एक जगह टैप टैप करके इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस फोटो का कलर तो एक ही है बैकग्राउंड, तो चलिए मैजिक टूल लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो भी कलर डालना हो बैकग्राउंड वो आप डाल सकते हैं। ये मैंने ब्लू डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से आपको डिलीट क्लिक करना है, डिलीट पे दबाना है, तो ये आपका बैकग्राउंड चेंज होगा हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ थोड़ा इसमें ब्राइटनेस बढ़ाना है, तो इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट्स में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा या घटा सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद ओके करना है। उसके बाद आपको न्यू पेज ले लेना है। अगर आपका A4 साइज़ है या आपको आपका फ़ोटो 4x6 साइज़ का है, मतलब फ़ोटो पेपर आपका 4x6 या A4 साइज का, तो वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, आप फ़ोटो जो कट करेंगे तो यहाँ पे आप इसको विड्थ को 3.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं और हाइट को 4.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। रेजुलेशन तो आपका सेम ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। ये भी आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो ही हुआ। उसके बाद आपको यहाँ से अपना पेपर सेलेक्ट कर लेना है, फ़ोटो पेपर आपका जो भी हो, या तो A4 हो या फिर जो भी हो, मेरा A4 है तो मैं A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से मूव टूल का प्रयोग करते हुए इस फ़ोटो को यहाँ से क्लिक करके इस नए पेज पे लेके जाना है। उसके बाद आपको इसमें स्ट्रोक लगा देना है, एडिट में जाके स्ट्रोक पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसका कलर ब्लैक कर देते हैं ताकि पता चले। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 5px बहुत हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप ये रूलर को थोड़ा नीचे कर सकते हैं ताकि फ़ोटो हमारा सब एक जगह रहे। उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ इसको यहाँ से स्लाइड करना है, आपको जितना फ़ोटो भी निकालना हो यहाँ से इसको स्लाइड करके साइड में ले सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए 5 फ़ोटो आ गया, 5 फ़ोटो निकाल लेते हैं। इसको यहाँ पे आपको यहाँ से लेयर को मर्ज कर देना है, ठीक है। मर्ज करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, आपका जो भी प्रिंटर हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।